स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग कंज्यूमर बिहेवियर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है डिफरेंट सिचुएशंस में, जिसके अंदर हम दो चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। वन इज़ द यूटिलिटी अप्रोच, अदर इज़ द इनडिफरेंस अप्रोच। अब हम जा रहे हैं थर्ड टॉपिक पे, डिमांड, थियोरी ऑफ डिमांड, द न्यू चैप्टर। इसके अंदर हम देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से किस हिसाब से डिमांड को चेंज करता है। टू, कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। थ्री, डीएमयू की वजह से और भी के साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे लॉ ऑफ डिमांड लगता है। एंड नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सभी कॉमोडिटीज पर नहीं, कुछ कॉमोडिटीज पर। This is basically we are doing in this chapter. Page number 38. Page number 38. Theory of demand. Page 38. Theory of demand. Now what is demand? इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में थोड़ी सी डिस्परेंसी है, चेंज है डिमांड के मतलब को लेके। इंग्लिश में डिमांड का मतलब है मांग, जिस चीज़ को आप मांगते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब है वन, आप वो चीज़ मांग रहे हैं। टू, मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है। थ्री, आप उसके लिए उतना प्राइस देने को तैयार हैं जितना प्राइस मार्केट में उस कॉमोडिटी के लिए मांगा जा रहा है। थ्री कंडीशंस, फर्स्ट आप उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। टू, मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है। थ्री, आप उतना प्राइस रेडी हैं पे करने के लिए जो मार्केट डिमांड कर रही है उस कॉमोडिटी के लिए। आई कैन डिमांड ऑडी, आई कैन नॉट अफोर्ड इट, that is not demand. I can demand moons or stars or a land on a moon. No, there is no market available for that. That's not a demand. I want to have a chair, but I don't want to spend money on chair. That is not demand. I'm not a part of the market. Let's see what is demand in economics. The concept demand refers to the quantity of a good or service or services that consumers are willing and able to purchase at various prices during the period of time. एक टाइम में आप कितने कॉमोडिटीज को, एक गुड या सर्विस को डिमांड कर रहे हैं। It is to be noted that demand in economics is something more than the desire. Thus, effective demand for a thing depends upon one, desire and means to purchase. One, आपके पास विश होनी चाहिए वो चीज़ खरीदने के लिए। टू, उसी के साथ वो चीज़ के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए खरीदने के लिए। यू शुड हैव द रिसोर्सेज टू परचेज दैट मनी, दैट गुड। टू, ऑन विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज, एंड यू वॉन्ट टू स्पेंड दैट प्राइस, दैट रिसोर्सेज ऑन द परचेज ऑफ दैट कॉमोडिटी। एंड ऑब्वियसली वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, तभी तो आप उस पर खर्च करने को तैयार हैं। सो वॉट इज डिमांड, इट रेफर्स टू अ क्वान्टिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस ऑफ द दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। अंडरलाइन प्लीज, विलिंग एंड एबल। नाउ ये देखिए, किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ गया, QD is quantity demanded. जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता है। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो रही है, चेक कीजिए। सो इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वो एंटायर डिमांड होती है एट वेरियस प्राइजेस, दिस इज डिमांड। What is demand?
The quantity of a commodity that consumer is ready to purchase at various prices. Demand refers to the quantity of a commodity or a service that the consumer is ready and able to purchase at various prices. Now, what is quantity demanded? At a particular price. That means, when the price is 14, how much is the demand? It's 80 units. When the price is 10, how much is the demand? It's 100 units. So, quantity demanded refers to the units of a commodity or a service that consumer is able to purchase and want to purchase at particular price of that commodity. So, demand refers to various prices and quantity demanded refers to particular price, kisi ek price per. Demand is the quantity of the good which a person is willing to buy at different prices within a given period of time. Please underline different prices. Demand refers to the quantity of a commodity that the consumer is ready to purchase at different prices. Whereas, quantity demanded is that quantity of that good which a consumer or a person is willing to buy, underline at particular price, specific price. Please underline particular price, write down specific price within a given period of time. डन. सो अब हम डिमांड और प्राइस के रिलेशन की बात करते हैं. वो रिलेशन कैसे होल्ड करता है वो हम बाद में करेंगे, अभी रिलेशन की बात करते हैं. जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में किए, अगर प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप शो किया जा रहा है टेबल में तो उसे कहेंगे डिमांड शेड्यूल. और अगर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन शो किया जा रहा है ग्राफ पे तो उसे कहेंगे डिमांड कर्व. यू कैन मेक द डेफिनेशन योरसेल्फ. डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. लिसन केयरफुली. डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप showing the two variables price and quantity demanded, whereas demand curve is the graphical representation showing the relationship between price of the commodity and quantity demanded. Agar aap ek consumer ki demand ki baat kar rahe hain तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व. और अगर आप सभी कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व. एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं. मैंने राम से पूछा हाउ मच पेन यू डिमांड, ही सेड वन इंडिविजुअल डिमांड. मैंने उसने बोला वन पेन. मैंने शाम से पूछा हाउ मैनी पेन्स यू डिमांड, ही सेड थ्री इंडिविजुअल डिमांड. अगर उसकी डिमांड, राम और शाम की डिमांड का मैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करूं तो वो हो जाएगी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. और अगर राम की प्राइस और राम के पेन की डिमांड और पेन के प्राइस का रिलेशनशिप में ग्राफ में शो करूं या शाम के, तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. अब 40 स्टूडेंट्स हैं. मैंने 40 स्टूडेंट्स के डिमांड के बारे में पता किया कि हाउ मेनी पेन्स यू डिमांड, उन सबके डिमांड को प्लस कर दिया.
कि भाई अगर पेन 5 का होगा तो आप कितने डिमांड करेंगे, अगर पेन 7 का होगा तो आप कितनी डिमांड करेंगे, अगर पेन 10 का होगा तो आप कितनी डिमांड करेंगे, अगर पेन 12 का होगा तो आप कितनी डिमांड करेंगे, उन सभी प्राइजेस को प्लस करके, सॉरी सभी डिमांड्स को प्लस कर दिया, एट प्राइस सभी डिमांड्स को प्लस कर दिया, दैट इज मार्केट डिमांड. मार्केट डज नॉट मीन ऑल द कंज्यूमर्स इन इंडिया. मार्केट मीन्स द मैकेनिज्म इन विच सम सेलर्स आर देयर एंड सम बायर्स. और मैंने बात की है क्लास की, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, दैट इज मार्केट. 40 में से एक स्टूडेंट पेन को डिमांड ही नहीं करता, वो पेंसिल से काम करता है, सो उसके लिए वो मार्केट नहीं है. मार्केट में 39 पर्सन हुए. अगर उस प्राइस और डिमांड के रिलेशन को मैं ग्राफिकली शो करूंगा, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व. और अगर मैं टेबुलर फॉर्म में शो करूंगा तो मार्केट डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल एंड शेड्यूल बोथ आर राइट. वन इज द अमेरिकन इंग्लिश एंड द अदर इज द ब्रिटिश इंग्लिश. कूल. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस. डेफिनेशंस पर जा रहे हैं. बिफोर मूविंग टू दैट, मैं डेफिनेशंस खुद एक बार बनवा रहा हूँ आपसे, ताकि माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, कि पेपर में वो चीज़ भी ठीक कंसिडर की जाएगी. सबसे पहले, what is individual demand? Individual demand shows the relationship between price of the commodity and demand of its and its demand at various prices by single consumer present in the market. Market demand refers to the relationship between price of the commodity and its demand by all the consumers present in the market. In a tabular form, the demand schedule, in a graphical form, in a demand curve. And you know that example देंगे table में, ये table है, देखिए ये demand schedule है, और जब graph बनाएंगे तो वो demand curve बन जाएगी. Demand schedule, पहले पढ़ते हैं demand schedule. The tabular presentation of the demand in response to its price is known as demand schedule. Please underline tabular presentation. What is tabular presentation? The table. It is of two types. One is individual demand schedule, other is market demand schedule. Individual demand schedule, the tabular presentation of the demand in response to its price by a underlined single buyer is known as individual demand schedule. Underlined single buyer, one buyer. आपको schedule याद नहीं करना, बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब price बढ़ेगा तो demand कम होगी, या price कम होगा तो demand बढ़ेगी. आपका schedule कुछ इस तरीके से होना चाहिए, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. दैट्स इट. यू मे सी प्राइस डबल हो गया, डिमांड कम होगी. मार्केट डिमांड शेड्यूल, ऊपर आपने अंडरलाइन कर लिया सिंगल बायर. व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल? द टेबुलर प्रेजेंटेशन, प्लीज अंडरलाइन टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड इन रिस्पॉन्स टू इट्स प्राइस बाय अंडरलाइन ऑल द बायर्स. Please underline all the buyers is known as market demand schedule. Please check price 10 से 20, demand of X is 200 and 150. कुछ इस तरीके से. जब price 10 था तो demand 100 थी और इसकी 70 थी. जब एक पेन 10 रुपए का था तो कंज्यूमर एक्स 100 पेन्स की डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर वाई 70 पेन्स की डिमांड कर रहा है. पेन का प्राइस बढ़ गया, पेन का प्राइस हो गया 12. प्राइस बढ़ गया तो एक्स डिमांड को कम कर देगा 90, वाई भी डिमांड कम कर देगा 60. हम मान लेते हैं मार्केट में दो ही कंज्यूमर है. आई रिपीट, हम मान लेते हैं मार्केट में दो ही कंज्यूमर है. The market consists of two buyers. So what is market demand? Demand of X plus demand of Y.
170, 150. So this column shows the individual demand schedule of consumer X. This shows the individual demand schedule of consumer Y, and this shows individual demand schedule, no, market demand schedule of the commodity. We have assumed that there are only two buyers present in the market. Please check kar lijiye. X ki demand 200, Y ki 150, total 350. Similarly, जब प्राइस बढ़ गया तो एक्स की डिमांड 50 से कम हुई, वाई की डिमांड भी 50 से कम हुई और मार्केट डिमांड 100 से कम होगी, दैट इज 250. सो डिमांड शेड्यूल में दो चीजें लिखनी जरूरी है, रादर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट लिखनी जरूरी है, टेबुलर प्रेजेंटेशन. डिमांड शेड्यूल में क्या लिखना जरूरी है? टेबुलर प्रेजेंटेशन. फिर इंडिविजुअल में आप लिखेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन बाय सिंगल बायर, और मार्केट में लिखेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन बाय ऑल द बायर्स. नाउ मूव टू डिमांड कर्व. नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व? द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, प्लीज अंडरलाइन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑन व्हिच देयर इज एक्स एक्सिस एंड Y axis. So the graphical presentation of the demand in response to its price is known as demand curve. It is demand curve that shows the graphical presentation. It is of two types. One is individual demand curve, other is market demand curve. यू मे रीड आउट द डेफिनेशन. जब आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करेंगे तो दो चीजें लिखनी जरूरी है. वन, इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. टू, बाय द सिंगल बायर प्रेजेंट इन द मार्केट. द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड इन रिस्पॉन्स टू इट्स प्राइस बाय सिंगल बायर नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. प्लीज अंडरलाइन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड सिंगल बायर. टू, मार्केट डिमांड कर्व. The graphical presentation of the demand in response to its price by all the buyers present in the market. Please underline graphical presentation and by all the buyers is known as market demand curve. Iske niche likhe following figure will explain this point more clearly. नीचे हाफ से ज्यादा पेज खाली है, वो इसीलिए जो मैं आपको बनवाने जा रहा हूं. फॉलोइंग फिगर विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट मोर क्लियरली. प्लीज चेक. नाउ प्राइस बढ़ गया. This is quantity demanded of consumer X, and that is quantity demanded of consumer Y. Say 100, price badh gaya, demand kam ho gayi. Price badh gaya, demand aur kam hogi. Price badh gaya, demand aur kam hogi. For Y, से इट्स 50, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, एंड सो ऑन. मार्केट डिमांड, एक्स प्लस वाई 150, 135, 120, 105. कोई भी कर्व बनाने के लिए, आई रिपीट, कोई भी कर्व बनाने के लिए उसके लिए शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू डू नॉट हैव अ शेड्यूल यू कैन नॉट मेक अ ग्राफ. आई रिपीट, यू कैन नॉट मेक अ ग्राफ इफ़ यू डोंट हैव अ शेड्यूल, बिकॉज ग्राफ इज नथिंग बट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल, टेबल ओनली. हम ऑलरेडी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कर चुके हैं ये चीज़.
Now let's plot it. सबसे पहले ये शेड्यूल बना लीजिए. मैंने आई नो लिखा है फॉलोइंग फिगर विल इलेबोरेट दिस पॉइंट मोर क्लियरली. व्हेन आई विल गिव एक्सप्लेनेशन आपको पता लगेगा. ये शेड्यूल बनाइए, स्पीड अप, मेक दिस शेड्यूल. ज़रूरी नहीं है ये शेड्यूल ऑन करना है, जैसे आपको पहले बताया कोई भी शेड्यूल बना सकते हैं. बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, क्यों हम आगे करेंगे, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है. सो प्राइस है 10, 15, 20, 25. लेट्स टेक द 5 गैप, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Price and for quantity the minimum is 35, the maximum is 150. The minimum is 35, the maximum is 150. So let's take the gap of 10. A kink 30, 40, 50, 60, 70, 80. ₹90, ₹100, ₹10, ₹20, ₹30, ₹40 and ₹50. Here we have is quantity demanded. अगर आपको ये draw करने में problem आ रही है तो you have two options. Option number one, like this, landscape में जाइए. Option number two, आप 20 का gap ले लीजिए. Take the 20 gap, 20, 40, 60, 80. Now let's plot it. When the price is 10, the demand is 100. When the price is 10, the demand is 100. This. When it is 15, it is 90. 15, 90. 20, 80. 20, 80. And then 2570 here. ज़रूरी नहीं है इनका रेट सेम रहे, 10 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है. द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड द कॉमोडिटी ही इज कंज्यूमिंग. इफ दीज आर गोल गपास तो रेट बहुत कम होगा, इफ दीज आर चपातीज तो रेट बढ़ेगा, पराठाज रेट और ज़्यादा बढ़ेगा, अ ग्लास ऑफ मिल्क तो रेट बहुत ही ज़्यादा होगा. सो द रेट एट विच इट चेंजेस इज अनप्रेडिक्टेबल, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड द कंज्यूमर. जब इसको ड्रॉ करेंगे, लेट इट बी दिस इज एक्स. नाउ विल प्लॉट प्राइस एंड क्यूडी ऑफ वाई. प्राइस और क्यूडी ऑफ वाई, व्हेन द प्राइस इज 10, द डिमांड इज 50. When the price is 10, the demand is 50 here, then 45, then 40, and then 35 we have at 25 price, we have 35. When you join that, we'll get dy. आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये होती है डाउनवर्ड, ये होती है अपवर्ड. डाउनवर्ड में कनकेव कन्वेक्स हम कर चुके हैं, इट इज डाउनवर्ड. इट कैन बी कनकेव, इट कैन बी कन्वेक्स, क्योंकि इसके रेट का हमें पता नहीं, अभी के लिए स्ट्रेट लाइन बनी. नाउ विल प्लॉट द मार्केट डिमांड. व्हेन द प्राइस इज 10, द डिमांड इज 150. When the price is 10, the demand is 150 here, then we have 135,
here, then we have 120, somewhat here, and then 105 at the price 25, somewhat here. So when you join this, वैसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, मैंने प्रॉपर स्केलिंग नहीं किया, वी डू नॉट हैव एनी स्केल फॉर दैट. ये स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि रेट सेम था. दिस इज डी एक्स प्लस वाई, दैट इज मार्केट डिमांड कर्व. सो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एंड दिस इज मार्केट डिमांड कर्व. नीड नॉट पैरलर, जरूरी नहीं है पैरलर हो. प्लीज आई एम गिविंग यू 2 minutes, make this graph. I'm giving you 2 minutes, make this graph. So, जरूरी नहीं है जो शेड्यूल मैंने बनाया आपने उसी को प्लॉट करना है. आप कोई भी शेड्यूल बना सकते हैं. जरूरी नहीं है ये पैरलर बने. जरूरी नहीं है कि इतनी ज्यादा विड्थ होनी चाहिए. That completely depends upon how you make a schedule. Speed up, make this diagram, make this graph, plot it. I'm covering that, okay. One more minute. ओके, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन. ग्राफ की एक्सप्लेनेशन पे आइए, राइट डाउन. डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स एंड डी वाई आर द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, are the individual demand curves as they represent individual demand schedule. ये schedule इसीलिए पहले बनवाया था आपसे. of consumer X and consumer Y respectively. Consumer X और consumer Y की demand को represent कर रहा है DX और DY. So DX and DY are individual demand curves. Next paragraph, or you may continue with that. DX plus Y. dx plus y
is the market demand curve as it represents the demand of the whole market. dx plus y पूरी मार्केट की डिमांड को शो कर रहा है, सो दैट इज मार्केट डिमांड कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, उस पर अभी हम पहुंचे नहीं है, वहां गए नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट we have assumed two buyers present in the market. Two buyers present in the market. हमने ये assume किया है कि market में दो ही buyers हैं, x and y. Because इससे ज़्यादा add करके graph और ज़्यादा width में जाता. अगर एग्जाम में शेड्यूल का क्वेश्चन आ रहा है तो टेबल बनाना ज़रूरी है, और अगर एग्जाम में कर्व का क्वेश्चन आ रहा है तो ग्राफ बनाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. डन. आज का टॉपिक यही है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. लेट्स मूव टू सर्टेन क्वेश्चंस. पेज नंबर 49. पेज नंबर 49. Question number 1, page 49, question number 1, what is derived demand? Derived demand क्या होती है? See, गर्मियों में आप किस चीज़ की डिमांड करते हैं? AC की, कूलर की, फैन की. आप में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप डिमांड नहीं करते, वो डिराइव्ड डिमांड है. आप डिमांड करते हैं एसी, एसी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी साथ में ही डिमांड करनी पड़ती है, दैट इज डिराइव्ड डिमांड. सो इलेक्ट्रिसिटी, द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द डिराइव्ड डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस. सेम क्लॉक, वॉल क्लॉक. आप वॉल क्लॉक को डिमांड करते हैं, उसके अंदर जो सेल डलता है, बैटरीज डलती हैं, वो डिराइव्ड डिमांड है. यू डिमांड मोबाइल फोन, द चार्जर इज द डिराइव्ड डिमांड फॉर मोबाइल फोन्स. एंड द लास्ट एग्जाम्पल, यू डिमांड इंटरनेट ऑन योर फोन, बट द इंटरनेट पैक्स और वाईफाई इज द डिराइव्ड डिमांड फॉर द इंटरनेट. I think I've made this point clear. What is derived demand? Question number 1. What is derived demand? Likhiye. Derived demand refers to the demand of the commodity, refers to the demand of the commodity arises, comma, out of the demand of another commodity slash service. Full stop. For example, comma, demand of electricity is the derived demand of
इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस लाइक एसी. क्वेश्चन नंबर 3, पेज 49 पे हम. क्वेश्चन नंबर 3, मार्केट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड, डिफेंड और रिफ्यूट. नॉर्मली जब इट्स अ वर्चुअल क्लासरूम, इफ इट वुड हैव बीन द फिजिकल क्लासरूम, तो ये क्वेश्चंस मैं बच्चों से ही पूछता हूँ, वही आंसर्स देते हैं, वही लिखवाते हैं. सो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है. फॉर द टाइम बीइंग आई एम मेकिंग यू राइट, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. जब आप बोलते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता है. चलिए, मार्केट डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड. डिफेंड का मतलब होता है ट्रू विद रीज़न, रिफ्यूट का मतलब होता है फॉल्स विद रीज़न. मार्केट डिमांड इंडिविजुअल डिमांड से हमेशा ज़्यादा होगी, फॉल्स. यस, फॉल्स. अगर मार्केट में एक ही कंज्यूमर हुआ तो सोचिए, इंडिया में एक ऐसी कार इंपोर्ट करवाई गई है जो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है. इंडिविजुअल डिमांड होगी वन कार, मार्केट डिमांड होगी वन कार. सो मार्केट डिमांड इक्वेट्स इंडिविजुअल डिमांड बिकॉज देयर इज ओनली वन कंज्यूमर प्रेजेंट इन द मार्केट. आई नो इट्स अ वेरी रेयर केस, बट येस इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है. ये लिखिए, आई रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट. आई रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट, फुल स्टॉप. मार्केट डिमांड इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिमांड when there is only one consumer present in the market, full stop. अगर एक ही consumer है तो market demand और individual demand same हो जाएंगे. Last question for today, question number seventh. The demand function of a commodity is QX is equal to 30 minus 4PX. QX है quantity demanded of good X and PX है price of good X. QX is quantity demanded of good X and PX is the price of good X. क्वेश्चन में क्या बोले, फाइंड द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल व्हेन द प्राइस इज 0, 1, 2, 3. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्हाट इज शेड्यूल? द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन showing the relationship between price and quantity demanded. When the price is 0, 1, 2, 3, जब price 0 है तो कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा. फंक्शन में पुट कर दो, दिस इज फंक्शन 40 माइनस 4 इंटू 0 30 माइनस 0 इज 30. जब प्राइस 1 है तो वो डिमांड करेगा 26, जब प्राइस 2 है तो वो डिमांड करेगा 22, और जब प्राइस 3 है तो वो डिमांड करेगा
18. So what is demand schedule? The demand schedule, ये demand function कैसे निकाला जाता है, ये आप higher studies में करेंगे, graduation, post graduation या जिनके पास maths है. ये function कैसे derive होता है, आपको function given है. जब price zero है, take a toffee, zero price पे मिल रही है तो आप 30 toffees खरीद रहे हैं. वन प्राइस पे मिल रही है आप 26 टॉफीज खरीदेंगे. प्राइस दो रुपये हो जाएगा टॉफी का, 22 टॉफीज खरीदेंगे. सिमिलरली देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है. जो बड़ी बड़ी कंपनी सेल लगाती हैं इसीलिए लगाती हैं 10% ऑफ, उन्हें पता प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी. दे डोंट एक्चुअली गिव द रिडक्शन इन प्राइस, दे जस्ट शो दे आर गिविंग यू रिडक्शन. विद द साइकोलॉजी देयर सेल इंक्रीजेस. कूल, दिस प्राइस इज इन रुपीज and this quantity demanded is in units, 4 kgs, 30 kgs, 30 liters, whatever, जो भी commodity है ये, और 30 piece of shirts, done. So आज हमने किया what is demand, what is individual demand, what is market demand, individual and then demand schedule, demand curve, and then 3 questions related to this topic. Tomorrow we'll start with a new topic, types of goods, normal goods, inferior goods, given goods, and then complementary and substitute. Till then, bye-bye.